हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइट क्लासेस। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा और वो लेक्चर नंबर 1 है। देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा अबाउट इलेक्ट्रिकल वायर या तो इलेक्ट्रिकल केबल तुम बोल सकते हो। ये होता क्या है, देखो जो भी तुम्हारे घर में केबल लगाए जाते हैं ऐसे टाइप वाले, तो इसमें दो टाइप के चार्जेस होंगे। एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का नाम है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसी को अभी हम टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इतना बात समझ लो। देखो है क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी वायर में वो रैंडम मोशन किया करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो लोग जा सकते हैं। अब सुनो, तुमको ये डाउट होगा कि सर ऐसे किसी भी डायरेक्शन में कैसे चले जाएंगे, तो तुम इसको ऐसे समझो कि अगर तुम स्कूल गए हो और स्कूल में पहले पहुंच गए और अभी तक असेंबली का टाइम नहीं हुआ है, तो तुम्हारा मन जहां तुम चाहो वहां पर घूम सकते हो। चाहो तुम कैंटीन में चले जाओ, चाहो तुम प्लेग्राउंड में चले जाओ, चाहो तुम म्यूजिक रूम में चले जाओ, तुम्हारा जहां मन चाहे वहां तुम उसमें जा सकते हो, क्योंकि अभी असेंबली शुरू नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही असेंबली की बेल बजती है, तुम सारे बच्चे लाइन बाय लाइन एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हो और एक लाइन बना लेते हो और एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हो, क्योंकि अब असेंबली होने वाली है ना। तो सेम काम इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं कि जब तक उनमें कोई भी बैटरी ना लगाई जाए तब तक वो रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही बैटरी लगा दो, और बैटरी से याद रखना आज से पोटेंशियल, बैटरी मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल जनरेटर, तो जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन सबके सब किस में आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में। बताओ कितना सिंपल है ना। अब स्ट्रेट लाइन में क्यों आएंगे वो भी आगे पढ़ना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आ जाते इतनी बात तुम याद रख लो। और सुनो, बैटरी करती क्या है, बैटरी के पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होगी, और केमिकल एनर्जी जनरेट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझे, अगर अभी भी डाउट आ रहा तो तुम ऐसे याद रहो, ए के बाद बी आता है, बी मतलब बैटरी, बी के बाद सी आता है, सी मतलब केमिकल एनर्जी जनरेट करेगा, और सी के बाद डी छोड़ दो, ई आता है, ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। समझे, कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल से केमिकल है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल है। तो सिंपल याद कर लो, है ना, बैटरी होगा ए बी सी डी ई, बी मतलब बैटरी होगा, सी से केमिकल एनर्जी बनाएगा, फिर वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही सी के बाद अल्फाबेटिकली चलोगे तो पी आता है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट क्या कर देगा, पोटेंशियल। समझे, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, ये तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ भी है, नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। भाई कौन सा डिवाइस है, अभी तो पढ़ो बैटरी है, सिंपल है। अब जिस बच्चे को ये नहीं आ रहा होगा तो यार वो उसमें क्या लिख देगा, इसीलिए छोटी छोटी चीजें होती है, इसीलिए तुम्हारी जो ये पीपीटी बनाई गई हमने कंप्लीट बना दी है, ताकि तुम्हारा कोई भी डाउट ना रह सके। और अगर कोई भी इस पीपीटी से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दिस डिवाइस डस। सो भाई प्रोसेस क्या है, अभी बताया ना, ए बी सी डी ई, फिर लास्ट में पी। सी ए मतलब नहीं, ए छोड़ दो, बी मतलब बैटरी, बी के बाद सी केमिकल एनर्जी बनाएगा, केमिकल एनर्जी जनरेट किसमें हो जाएगी, कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही पोटेंशियल बना देगा, सिंपल है ना। आ जाओ, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट भी समझना पड़ेगा, तुम भी जानते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट जनरेट होगा। अब करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाए कि इस तरफ आए, वो तुमको समझना पड़ेगा। हमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा, तो नेगेटिव चार्ज अगर इधर जाता है तो करंट इस तरफ आएगा। ठीक है, या ऐसा बोल दो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा या नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा, ये येलो वाली लाइन, तो करंट भी इस तरफ होगा। तो करंट को बताने का दो तरीका है, एक है कि अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट यहां पर ही जा रहा, करंट इधर आ रहा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं सही, पॉजिटिव चार्ज बोलोगे, अभी प्रोटॉन टर्म मत यूज करना यहाँ पे, ठीक, पॉजिटिव चार्ज बोलना। अब देखो, जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, पढ़ चुके हो। दूसरी चीज है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जैसे तुम बोलोगे अगर तुम कोई भी चीज लो, चाहे अपना लैपटॉप लो, चाहे तुम स्टाइलस लो, चाहे तुम पेन लो, कुछ भी लोगे तो उसमें मास होता है ना, चाहे मिलीग्राम हो, चाहे सेंटीग्राम हो, चाहे डेसीग्राम हो, चाहे हेक्टोग्राम हो, चाहे किलोग्राम हो, कुछ भी हो लेकिन मास होगा। सिमिलरली तुम कोई भी मैटर ले लो, चाहे लैपटॉप लो, चाहे पेन लो, उसके पास क्या होगा, कुछ अमाउंट का चार्ज होगा। इसीलिए चार्ज को क्या बोल दिया जाता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब सुनो, इसकी एसआई यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ी है जिनका नाम कूलम है, इसीलिए कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। अगली स्लाइड में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज साथ में होंगे तो रेपल करेंगे, दूर दूर जाएंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज साथ में होंगे तो रेपल करेंगे, दूर दूर जाएंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ में हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ रही। फिर सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, चार्जेस आर इनवेरियंट। इनवेरियंट क्या होता है, ऐसे मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें मोशन की वजह से कोई वैल्यू ना बदले, मतलब वैल्यू फिक्स रहे। अब जैसे अगर तुम नहीं समझ पाए उसको, तो तुमने आइंस्टीन की इक्वेशन सुनी होगी, E = mc²
है ना। ई मतलब क्या होता है, एनर्जी, एम मतलब मास और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसमें क्या बोला आइंस्टीन ने कि अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाए तो उसकी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समझे, दोनों चीजें बदल सकती हैं, मतलब मास कहीं ना कहीं घट भी सकता है और कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है, लेकिन ऐसा चार्जेस के साथ नहीं है। अगर चार्ज स्पीड ऑफ लाइट से भी चले तभी भी उसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी, फिक्स रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल दोगे, चार्जेस आर इनवेरिएंट। ठीक, अगला देखो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां करंट तो होना ही होना है। और करंट में देखो, करंट का हम तुमको फॉर्मूला बस याद करने को कहेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। अब बहुत सारे बच्चे ये वाली डेफिनेशन याद करते हैं कि वॉट इज करंट, ये चीज याद करते हैं, बट ये तुमको याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम तुमको इधर बनाना सिखा रहे हैं। कैसे आप सीखोगे, देखो क्या होता है, अगर कहीं भी डिवाइडेड बाई टाइम लिखा हो तो उसको बोलोगे आज से रेट ऑफ। अगर कहीं भी डिवाइडेड बाई टाइम लिखा हो तो उसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ। अब देखो रेट ऑफ के बाद कौन सा टर्म आता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे देखो चार्ज लिखा है ना, तो कैसे बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। देखो कितना स्मूथ है, कितना सिंपल है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। देखो नीचे डेफिनेशन ये लिखी है, अब इलेक्ट्रिसिटी का है तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब करंट की भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, तो ये यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर होती है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही आया है। और ऐसा डिवाइस जो कि करंट को नापेगा उसको बोल दोगे एमीटर, उसका भी सिंबल ए से ही है, एम्पियर से ही कौन आ गया, एमीटर। तो ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करेगा उसको बोलेंगे एमीटर। यहां पर एक चीज याद रख लो, देखो यहां पर एम आ रहा है एमीटर में और मेजर में भी एम आ रहा है। ये क्यों आ रहा है अभी हम तुमको आगे बताएंगे, बस याद कर लो एमीटर में भी एम आ रहा और मेजर में भी एम आ रहा। और एमीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। अभी कॉम्बिनेशंस होते हैं आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक, एक चीज अच्छा इधर छूट गई है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई भी एक फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब हो गए सर हम कितने फॉर्मूले याद करें, तो ये याद करने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये समझ लो। जैसे तुम्हारा तुम फोन में देख रहे हो, मान लो ये वीडियो फोन में देख रहे हो, ठीक। अगर तुम फोन में देखोगे, हमने बोला तुम्हारे फोन में टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, और जो 1000 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो बताओ तुम्हारे पूरे फोन में कितना चार्ज होगा, सिंपल है। तुम कहोगे सर कुछ नहीं, 1000 इलेक्ट्रॉन फोन में, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ले लेंगे। सेम है, सेम। अगर तुम्हारी कोई भी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और टोटल इलेक्ट्रॉन मान लो 1000 है, तो मल्टीप्लाई करो तुमको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये तुम जानते थे, बस हाँ फॉर्मूला के टर्म में इसको बना दिया गया है। समझे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ये भी तुम्हारे बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करोगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, डेफिनेशन मत रखना, बनाना सीखो। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी डिवाइडेड बाई टाइम को क्या बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, है ना। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक, आगे आ जाओ। अब हाँ, जैसे ही पूछते हैं व्हाट इज वन एम्पियर, अभी तक तो बच्चा याद कर लेता है कि सर हमने करंट याद कर लिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो करंट की यूनिट पर आ जाते हैं, मतलब एम्पियर पर आ जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम लिखें क्या। तो सुनो, ये भी तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कैसे नहीं होगी ये समझो, देखो जब तुमने ये डेफिनेशन बनाई थी तो तुमने तीन टर्म्स यूज किए थे जो कि उसके फॉर्मूले में आ रहे थे। पहला टर्म क्या है, देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पहला टर्म चार्ज है, दूसरा टर्म पर यूनिट टाइम टाइम है, और तीसरा टर्म इज नोन एज करंट। देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों यूज कर लिए। लेकिन जैसे तुम एम्पियर पे मतलब उसके यूनिट पे जाओगे तो तुम क्या करोगे, उसके सारी यूनिट पहले लिख लो। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करंट की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम। अभी पढ़कर आए हो, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तुम जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म्स देखो कितने बने, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म और छह टर्म बने। बस अब छह टर्म्स यूज कर लो, डेफिनेशन बन जाएगी, कुछ नहीं इसी को मॉडिफाई करना है। कैसे करना सिखा रहे, व्हेन अ चार्ज, देखो पहला टर्म, व्हेन अ चार्ज ऑफ वन कूलम, दूसरा टर्म, फ्लोज इन अ टाइम ऑफ वन सेकेंड, चार टर्म हो गए, देन द करंट इन द कंडक्टर विल बी ऑफ वन एम्पियर। व्हेन अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्लोज इन अ टाइम ऑफ वन सेकेंड, देन द करंट इन द कंडक्टर विल बी ऑफ वन एम्पियर। देखो इधर पढ़ लो, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म और छठा टर्म। देखो कितना सिंपल है, समझे। बच्चे इसको रट कर जाते हैं, पहले वन एम्पियर याद करेंगे, फिर वन ओम याद करेंगे, फिर वन वोल्ट याद करेंगे, फिर तीनों जब कंफ्यूजन में आता है ना तो फिर वो भूल जाते हैं डेफिनेशन लिखे क्या, समझे। फिर वो इधर उधर का मिलाकर तुम लिख दोगे तो आंसर गलत आ जाता है,
समझे, तुमको रटना नहीं है, तुम यहाँ इनसाइड क्लासेस के चैनल से पढ़ रहे हो, तुमको समझना है और पूरा एकदम अच्छे से फील करो। कहीं भी डाउट आ रहा हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो। देखो तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है और भी कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए बट हमने एक ही बार इसको डाला है ताकि तुम्हारी स्लाइड ज्यादा बड़ी ना हो। तो डिफाइन वन एम्पियर अब तुम जानते ही हो, है ना, कैसे, यहाँ पर एक बार हमने फिर से स्लाइड में इसको लिख दिया है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू मतलब कूलम, टी मतलब क्यू का यूनिट है कूलम, टी का यूनिट है सेकंड, आई का यूनिट है एम्पियर। सारे टर्म्स यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10^-3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10^-6 एम्पियर, और ऐसे ही क्या होता है एक नैनो भी होता है, 1 नैनो एम्पियर मतलब एन से नैनो, एन से 9, 10^-9 एम्पियर, 9 के बाद 10 आता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10^-10 एम्पियर, और 1 फर्मी, एफ से फर्मी, एफ से 15, तो 10^-15 एम्पियर। देखो कितना सिंपल है, नैनो मतलब एन से नैनो, एन से 9, 10^-9 एम्पियर, 1 फर्मी एम्पियर मतलब एफ से फर्मी, एफ से 15, 10^-15। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू एनी एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो तुमसे पूछे ना, सबसे पहले गिवन लिख लिया करो, और सुनो ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा अभी के लिए समझ लो। देखो है क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, तुमको गिवन क्या है, करंट दिया है और टाइम दिया है, तो करंट लिख लिए, टाइम लिख लिया, टाइम को भी किसने कन्वर्ट कर लिए, एसआई यूनिट में, तुम जानते ही हो। अब देखो ये फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू पूछा है तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई की वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 120 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10 है, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10^-19 कूलम, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। तुमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, भाई ई की वैल्यू पता है, क्यू अभी अभी तुम निकाल कर लाए हो, एन की वैल्यू बताना है, तो क्या होगा, उसको डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू देखो कितनी थी, 1200 डिवाइड किससे कर दिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ई से, है ना, आंसर कितना आ गया, 7.5×10^21। ठीक, देखो कुछ सिंबल्स हैं ये भी पूछे जाते हैं तुम्हारे बोर्ड में, तुम्हारे बुक का ही ये है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, एक लंबी वाले टर्मिनल होगा, एक छोटा टर्मिनल होगा, दोनों अटैच होंगे, लंबा वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको बोलोगे सेल। अगर ऐसे ही बहुत सारे सेल कनेक्ट हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाए, तो उनको बैटरी बोल देते, जो कि यहाँ बना है, यहाँ भी हमने बनाया है। अगर कभी भी कोई भी स्विच क्लोज है तो क्या होगा, ऐसे स्विच बनाई जाएगी, उसके बीच में सर्कल दिखाया जाएगा कि क्लोज है, अगर कोई भी स्विच ओपन है तो उसके बीच में कोई भी सर्कल नहीं होगा। अगर कोई भी वायर ज्वाइंट है तो दो वायर बनाए जाएंगे, दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाएगा, अगर कोई वायर ज्वाइंट नहीं है तो ऐसे लाइन जाएगी, उसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा, वो ज्वाइंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें ऐसे भी बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो बनाया जाता है वो ऐसे भी बनाया जाता है फिजिक्स में, और ऐसा भी बनाया जाता है। देखो तुमको क्वेश्चन करके सारे आने हैं एग्जाम में, तुम अभी डायग्राम के उसमें मत जाना फिजिक्स में कि यार अभी हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 मार्क्स का है तो इस पे भी 2 मार्क्स मिलेंगे, उस पे भी 2 मार्क्स मिलेंगे, बट अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करना तुमको फुल में से फुल लेकर आने हैं, समझे, तुम्हारे लिए यहाँ भी मेहनत की जा रही है, और कहीं भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, ठीक, और जितना तुम डिजर्व करते हो ना तुम उतने ला सकते हो, बस तुम अपना 100% दो, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, अभी आगे पढ़ोगे, बस उसका सिंबल याद कर लो, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, और अगर इसी रेजिस्टेंस को तुमको घटाना बढ़ाना, ये फिक्स होता है, देखो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अगर इसको तुम वेरिएबल बनाना चाहो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सके, जैसे मान लो 10 है तो 10 ही रहेगा, अब तुमको ये ना 8 कर सकते हो ना 12 कर सकते हो, अब अगर तुमको 8 या 12 उसकी वैल्यू घटानी है या बढ़ानी है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस में, और उसी डिवाइस का नाम होता है रियोस्टैट, और सिंबल सेम है, बस एरो लग जाता है, एरो मतलब घटा सकते हो बढ़ा सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो वैसा भी बना सकते हो। एमीटर अभी तुम पढ़े ही हो, ए से डिनोट किया जाता है, वोल्टमीटर तुम जानते हो, बी से डिनोट किया जाता है, और सुनो एमीटर में भी एक टर्मिनल होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, वोल्टमीटर में भी एक पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव। अब देखो ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल, भाई जानते ही हो, ओपन प्लग जानते हो, वायर्स कनेक्टिंग विदाउट क्रॉसिंग, विदाउट कनेक्शन, ऐसा बनेगा। वेरिएबल रेजिस्टर तुम जानते हो, बैटरी भी तुम जानते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब भी तुम जानते हो, रेजिस्टेंस भी तुम जानते हो, ये सारी चीजें तो तुमको मालूम ही है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस, समझे। अब बच्चे इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर लिखे कैसे, तो इसमें भी तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए हमने बगल में डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम को देखो, इसी से तुमको लिखना हम सिखाते हैं, है ना। देखो क्या है, एक चार्ज है और वो यूनिट चार्ज है, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक,
उस यूनिट चार जो तुम एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तुम वर्क डन करोगे और इसी वर्क डन के बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तब लिखोगे कैसे, व्हेन अ चार्ज और व्हेन अ यूनिट चार्ज, सॉरी द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल वो देन वाला नहीं है, सॉरी वो उसमें एम्पियर में यूनिट में चले गए थे। देखो अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी तुम कैसे लिखोगे वो भी हम तुमको सिखा रहे हैं। चलो देखो इसमें बस डायग्राम याद करो और कंफ्यूज नहीं होना है। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक्चुअली चार्ज वही है, उसको मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक। तो इस मूव कराने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा और ये वर्क डन ही बराबर किसके हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो कैसे बोलोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स मिल गए ना, इसीलिए बोल दिया गया डिफरेंस है वो। जैसे तुम्हारा घर और तुम्हारे दोस्त के घर के बीच में कुछ ना कुछ जगह होगी, तो जो दोनों के घर के बीच की जगह है ना, उसको तुम डिफरेंस बोलोगे। तो इसीलिए डिफरेंस में क्या होगा, वन पॉइंट टू अनदर या एक्स्ट्रा लाइन है। तो कैसे बोलोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पढ़ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को ही कभी कभी वोल्टेज बोल दिया जाता है, और SI यूनिट इसकी वोल्टेज से ही नाम पड़ गया है, वोल्ट वी से होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये याद कैसे करोगे, देखो वी क्या होता है, वोल्टेज होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन होता है, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। अब याद तुम ऐसे इसको करो कि देखो तुमने जो डायग्राम बनाया है उसमें वर्क डन की हो क्यू की हो, देखो वर्क डन ऊपर लिखे हो क्यू नीचे, तो डब्ल्यू बाई क्यू, और ये बराबर किसके था, पोटेंशियल डिफरेंस वी के, बस सिंपल है, ठीक। अब फिर पूछा जाता है वॉट इज वन वोल्ट, फिर बच्चे यहाँ पे पिघल जाते हैं, वो नहीं बता पाते भाई हम लिखें क्या। अब सुनो, तुमको फिर से कुछ नहीं करना है, तुमसे वोल्ट पूछा मतलब SI यूनिट पूछा है, तुम कुछ ना करो, फॉर्मूला लिखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी का SI यूनिट वोल्ट होगा, W का जूल होता है, ये याद कर लो, W का SI यूनिट वर्क डन का जूल होता है, Q मतलब होता है कूलम, उसकी SI यूनिट। अब लिखोगे कैसे, व्हेन अ वर्क डन ऑफ वन जूल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी ऑफ वन वोल्ट। सब जगह वन 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 लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो पहला टर्म व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन, दूसरा टर्म टू मूव अ चार्ज ऑफ वन कूलम, तीसरा टर्म, चौथा टर्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पॉइंट्स जानते हो क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पांचवा टर्म बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी ऑफ इज ऑफ वन वोल्ट। देखो कितना सिंपल है, बस डायग्राम याद रखो और आंसर ले आओ, है ना। अगर ट्रिक्स अच्छी लगी हो, हैक्स अच्छे लगे हो, तो इनसाइड क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को उतना ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा अच्छे अच्छे सारे कमेंट्स कर सकते हो उतना ज्यादा कमेंट्स करो, ठीक। आ जाओ देखो, वोल्ट मीटर जैसे एम मीटर था वैसे ही वोल्ट मीटर है। एम मीटर क्या करता था, नाप मेजर करता था। एम मीटर में एम आ रहा है, एम है ना, मैंगो वाला। एम मीटर में एम आ रहा है, वो मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करता है, वोल्टेज। अब एक और होता है गैल्वेनोमीटर, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को ही, जो एम मीटर काम करता है वही काम ये भी करता है, बट ये डिटेक्ट करता है, डिफरेंस है दोनों में। एम मीटर यहां तक बता देगा कि 10 एम्पियर का करंट है, कि 5 एम्पियर का करंट है, कि 2.5 एम्पियर का करंट है, वो वैल्यू तक बता देगा, मतलब एक्यूरेट है बहुत ज्यादा। और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वो बस इतना बता पाएगा कि करंट जा रहा है किसी सर्किट में कि नहीं जा रहा है, वो वैल्यू नहीं बता पाएगा। इसीलिए हमने बोला था एम मीटर के एम से क्या याद रखना, मेजर कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अगले साइंटिस्ट है ओम साइंटिस्ट है, उन्हीं के बेस पे एक लॉ आ गया, ओम्स लॉ। तो उन्होंने क्या बताया कि जो भी सर्किट तुम बनाए हो, जो भी तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, तो वो दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर तुमने करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, अगर तुमने करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो जब भी तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में बदलते हो, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम है रेजिस्टेंस, जो पढ़े थे ना, फिक्स वैल्यू होती है, वही है रेजिस्टेंस यहाँ। तो अब पहली बार तुमको हम ये बोलेंगे कि जो डेफिनेशन याद करो वो फॉर्मूला से नहीं याद करना है, वो याद किससे करोगे, फॉर्मूला के ऊपर वाले, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले टर्म से, ठीक है। अब ओम्स तो हमें लिखोगे क्या, वो अभी सिखा रहे, बस एक लाइन याद कर लो, ये वाली जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बस ये लाइन तुम याद कर लो, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड ही होता है। तो अब कैसे बोलोगे, देखो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल across the conductor is directly proportional to the current flowing in the circuit provided temperature remains constant. इससे बनाए हो ना, देखो पढ़ो इसको, Ohm's law states that the potential difference between two points is directly proportional to the conductor
प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन है ओम्स लॉ, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इसको भी देख लो। ठीक है, सेम डेफिनेशन है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर तुमको कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट आ रहा हो या कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पर्टिकुलरली उसके लिए हम लोग वीडियो बना देंगे। और जितना ज़्यादा तुम शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा तुम्हारे दोस्त हैं उससे ज़्यादा भी इसको शेयर करो। और साथ में सबसे मेन चीज़ देखो क्या है, तुम अपने पे इतना ज़्यादा फोकस करो ना कि जितने मार्क्स तुम डिजर्व करते उतने मार्क्स तुम लेकर आओ, है ना। ये चीज़ ना हो यार कि हम डिजर्व करते थे ज़्यादा बट हमारे कम मार्क्स आ गए। तुम्हारी मेहनत पर ही सारी चीज़ें डिपेंड है, तुम्हारी मेहनत पे ही अभी सारी चीज़ें डिपेंड कर भी रही हैं, क्योंकि अभी बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, अभी टाइम है बोर्ड एग्जाम में। और टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, आराम आराम से चलेंगे, जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो अच्छे से वीडियोस देखो, कहीं डाउट हो तो रिवर्स करके फिर से वीडियो देख लो, ठीक है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, और जो भी मार्क्स है वो कमेंट सेक्शन में शेयर भी करना, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।